हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे एलोटॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एलोटॉप्स ऑफ सल्फर, जनरली वी डिस्कस द टू टाइप ऑफ एलोटॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। सल्फर रोम्बिक That temperature is called transition temperatures because this temperatures sulfur rhombic converted to sulfur monoclinic. That's clear. सल्फर मोनोक्लिनिक इज सल्फर रोम्बिक येलो क्रिस्टल। सॉल्युबल किसमें होता है? सी एच टू में, सॉल्युबल कार्बन डाइसल्फाइड। इट मेल्टिंग पॉइंट 385 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06। सल्फर मोनोक्लिनिक निडिल लाइक कलरलेस स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98। सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है जब 369 केल्विन पे गर्म करते हैं। ये येलो कलर का होता है, ये निडिल लाइक कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है। सी एस टू में दोनों डिजॉल्व किए जा सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 और सल्फर मोनोक्लिनिक निडिल लाइक कलरलेस क्रिस्टल्स मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98। बोथ सल्फर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्मूला एसिड। सल्फर रोम्बिक हो या सल्फर मोनोक्लिनिक हो, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला एसिटी होता है और नेचर डायमैग्नेट। लगभग पिछले दो दशकों में बहुत सारे सल्फर के एलोटॉप्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए गए हैं, S6 से X20 तक, S8 का क्राउन टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, क्राउन टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, और जो S6 है ये चेयर टाइप स्ट्रक्चर है। ये किसका है? S6। और ये किसका है? S9। दैट्स क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे, हमने सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक की बात की। ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होता है। ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, CH2 में सॉल्युबल होता है, ये होता है। दोनों की नेचर क्या होती है? डायमैग्नेटिक होती है। S6 हो, X4 हो, लेकिन वेपर फेज
S2 अबाउट 1000 केल्विन पर। क्लियर? ये सब आपको ब्रीफ में मैंने सल्फर के एलोटॉप्स के बारे में बताया, सल्फर के दो एलोटॉप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक। सल्फर रोम्बिक को जब हम 369 केल्विन पे गर्म करेंगे सल्फर मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, सॉल्यूबल CH2 है, मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06, सल्फर मोनोक्लिनिडाइलाइट क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स है, मेल्टिंग पॉइंट 392, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98। दोनों का एसिड, सल्फर रोम्बिक भी और सल्फर मोनोक्लिनिक। नेचर क्या होती है? डायमैग्नेटिक होती है। सल्फर के दो दशकों में पिछले जो फॉर्मूले मॉलिक्यूल्स के ड्रॉ किए गए हैं S6 to S20 किए गए हैं, जिसमें ये क्राउन फॉर्म स्टेबल फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म कहलाती है S6 की, ये इसका है S8। वेपर फेज में सल्फर पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सब में S6 हो, S8 हो, S10 हो, S20 हो, क्या होता है? डायमैग्नेटिक। क्लियर? नेक्स्ट वी डिस्कस SO2 सल्फर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सल्फर को बर्न करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को बर्न करा देते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 बर SO2 प्लस एनर्जी। क्लियर? इन लेबोरेटरी SO3 आयन ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक मीडियम टू गिव SO3 माइनस माइनस प्लस 2H पॉजिटिव एरो के बाद SO2 प्लस H2 लेब। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द आयरन कंबशन ऑफ आयरन सल्फाइड। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ आयरन सल्फाइड FeS2। फेरस सल्फाइड दैट इज FeS2 प्लस O2 एरो के बाद Fe2O3 प्लस 2SO2। दैट्स क्लियर? इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस माइनस, इंपॉर्टेंट है, कहीं मालूम भी किया जा सकता है। आयरन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी फेरस सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? माइनस होता है, रिमेंबर इट। सल्फर डाइऑक्साइड इट इज प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए कलरलेस गैस विद पिंजेंट स्मेल। इट इज कलरलेस गैस विद पिंजेंट स्मेल। एसओ टू प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +6 हो सकता है, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरा है ये रिएक्शन करता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड्स बनाएगा, SO2 रिएक्ट विद Cl2, SO2 Cl2 ऑक्सीडेशन हो जाएगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन से कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा SO3। नेक्स्ट क्लियर, ये रिएक्शन करेगा आपका आगे लेड ऑक्साइड से रिएक्शन करके लेड सल्फाइड देता है, PbO2 प्लस SO2 PbSO4। नेक्स्ट ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसका, क्यों, क्योंकि SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन +4 है जो +6 तक जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखेंगे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ध्यान से देखेंगे, SO2 Cl4 निगेटिव को क्लोरीन में रिड्यूस कर देता है SO4 माइनस प्लस वाटर, SO4 माइनस माइनस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयोडेट को IO4 निगेटिव को रिड्यूस करेगा I2 में सल्फर माइनस माइनस हो जाएगा। आगे Fe+2 को Fe+3 प्लस SO4 SN +4 Fe+3 को Fe+2 में SN+4 को SN+2 में जब हम SN कंपाउंड कराते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लोरेट को क्लोरीन में, आयोडेट को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, अब आपका है आपका स्टेनिक को स्टेनस में, नहीं समझे, रिएक्शन कराता है। आगे देखेंगे, आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे देखिए नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, MnO4 को Mn+2 में SO4 माइनस माइनस ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। PbO2 को PbSO4 SO2 O2 के साथ ऑक्सीडेशन करा के SO3 SO2 Cl2 के साथ करा के SO2 Cl2 ऑक्सीडेशन हो सकता है तो ये रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है तो ये रिड्यूस करेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लाइम वाटर में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो मिल्क कलर बनता है, और एक्सेस में कराने पर कलर डिसअपीयर। देखेंगे SO2 प्लस CaOH एरो के बाद CSO3 C
CaSO3, और SO2 फिर फर्दर पास कराएंगे, वाटर होगा CaHSO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? ये कलरलेस, ये मिल्की कलर SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, लाइम वाटर, मिल्की कलर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या कैल्शियम बाई सल्फाइड। दैट्स क्लियर। इस तरीके से हम ये इसे कंप्लीट की तरफ करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, देयर आर सेवरल ऑक्सी एसिड्स H2SO3, H2SO4, H2 H2O7, H2SO5, और आपका ये बनेगा H2SO8। ये हम वन बाई वन करके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। H2SO3 का स्ट्रक्चर डिस्कस करने के पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। सल्फर के साथ एटलीस्ट वन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है, बाकी जितने एच होते हैं वो OH के रूप में होते हैं, वरना डबल बॉन्ड से लिखते हैं। जैसे सब कुछ कीजिए, S डबल बॉन्ड OH, OH लोग। क्लियर? H2SO4 में S डबल बॉन्ड OH, OH डबल बॉन्ड H2S2O से S, S, क्लियर? H2SO5 एक परऑक्साइड लिंकेज होता है, इसमें S O O O S O H। क्लियर? H2SO8 मार्शल एसिड कहलाता है, स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। इसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस, ये सल्फ्यूरिक परोक्सी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये है परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कैरोज एसिड, परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स क्लियर। ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की, एक बार और देखेंगे। एस डबल बॉन्ड होता ही है, जितने एच होते हैं वो एस से जुड़ जाते हैं सिंपली। ये पायरो है, दो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर निकालेंगे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा।
परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, हाई टॉक्स परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स क्लियर, ये आपके पास समझ में आई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कॉमर्शियली सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस थ्री स्टेप्स इज अकरिंग। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं सल्फर को बर्न करके, या सल्फाइड ओर को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स के साथ हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड्स में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड्स को हम H2SO4 में डिजॉल्व करा लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को इसमें H2SO4 में डिजॉल्व करा लेते हैं। तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रोसेस किसका है? H2SO4। थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप सल्फर कन्वर्टेड टू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी फर्स्ट स्टेप वी ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर और बाय बर्निंग एनी सल्फाइड। फॉर एग्जाम्पल S+O2, SO2, Fe, S2+O2, F2O3+SO2। सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज को सल्फर डाइऑक्साइड से दूर कर देते हैं, और उसके बाद इम्प्योरिटीज फ्री करने के बाद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स पर ये गर्म करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड्स को तीसरे स्टेप में H2SO4 के साथ SO3+H2SO4 H2S2O से मिल जाता है, H2S2O से जिसे और लेते हैं H2S2O से H2SO4+SO3। जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है तो H2S2O7+H2O2H2SO4। यानी इस प्रोसेस का की पॉइंट क्या है, ट्रांजिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड्स। ध्यान देंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम यूनिट्स के लिए कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर हाई। पॉइंट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लिचर प्रिंसिपल्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर नियरली 2 bar प्रेशर और 700 केल्विन टेम्परेचर। की पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड्स, दैट्स क्लियर। इतनी बात आपकी समझ में आती है। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऑयली लिक्विड है और अपीयरेंस आई और ऑयली लिक्विड से एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। जनरली जब भी हम इसे डाइल्यूशन करना होता तो एसिड पूर इन वाटर, एसिड को वाटर में थोड़ा थोड़ा मिला के इसका डाइल्यूशन करते हैं, अदरवाइज क्या है रिएक्शन बहुत तेजी से होगी और क्या होगा ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब ये छलक के स्पेस हो जाएगा। एसिड में यदि वाटर डालेंगे तो स्पेस हो जाएगा, चेहरे पे गिरेगा और बर्न कर देगा। केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे।
देखेंगे। इसका एन फैक्टर 2 है डाइबेसिक एसिड से H2SO4। डाइबेसिक एसिड आयनाइजेशन इस तरीके से होगा, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, Ka ग्रेटर देन 10, दैट्स 10 की पावर 3, नियरली 2 × 10 की पावर 3, 10 से बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। सेकेंड HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव नेगेटिव, Ka नियरली 10 की पावर 3, यानी इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट इस तरीके से। क्लियर आउट, समझ में आया? नेक्स्ट रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट से, डिहाइड्रेशन एजेंट वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CuSO4.5H2O कंसंट्रेटेड H2SO4 CuSO4+5H2O, ये ब्लू, ये वाइट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सुक्रोज C12H22O11 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ काम करते हैं, चारकोल बनता है, वाटर बनता है, ग्लूकोज को भी ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 C+6H2O फॉर्मिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर प्लस CO कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 CO2 प्लस वाटर C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 444 केल्विन C2H4+H2O। यहाँ पे हमने डिस्कस किया एन फैक्टर 2 डाइबेसिक एसिड से आयनाइजेशन कांस्टेंट पहले के लिए बहुत अधिक होता है, दूसरे के लिए कम होता है। रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसके साथ हम गर्म करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल लूज हो जाता है, CuSO4 5H2O कंसंट्रेटेड CuSO4+5H2O। सुक्रोज को जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो चारकोल वाटर बनता है, ग्लूकोज को चारकोल वाटर बनता है, फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, ऑक्जिलिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, इथाइल आयन को गर्म करने पर इथीन और क्या बनता है, H2। ठीक, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो क्या करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो H2SO4, क्यों? क्योंकि H2SO4 में सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, इसका रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो देखेंगे
एफई प्लस प्लस एस टू एस ओ फोर, ये हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। इसका रिडक्शन हो, दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फेरस एफ ई एस ओ फोर एच टू एच टू क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस 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 और एस ओ टू एस एन प्लस टू एस एन प्लस फोर प्लस एस ओ टू आके देखेंगे। एफी सफोकेशन करता है सॉल्ट से, जैसे पी बी प्लस टू पी बी प्लस फोर और एस ओ टू खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसे कुछ सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट से एच टू सफोकेशन किस किस से करता है, जैसे सपोज कीजिए क्लोराइड फ्लोराइड नाइट्रेट एसीटेट, जैसे सपोज कीजिए टू एन ए सी एल प्लस एच टू एस ओ फोर Na2SO4 plus 2SeO 2Na S2SO4 Na2SO4 2H KNO2 S2SO4 K2SO4 2HNO3 lead acetate H2SO4 PbSO4 डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन देता है। H2SO4 NaCl क्लोराइड फ्लोराइड नाइट्रेट और एसीटेट के साथ रिएक्शन करके HCl ये बना लेता है। लेकिन आयोडाइड और ब्रोमाइड के साथ आयोडीन और ब्रोमीन गैस में क्रिएट होती है। याद रखेंगे फेरस को फेरिक में खुद रिड्यूस हो गया, इसे ऑक्सीडाइज करा दिया, इसे ऑक्सीडाइज करा दिया, इसे ऑक्सीडाइज। अब ये क्लियर हुआ ये रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे, याद रखेंगे क्या याद रखेंगे, याद ये रखेंगे जब हम के आई से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की तो एच आई नहीं बनेगा, आयोडीन बनेगी। एच बी आर से कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन गैस निकलेगी। ध्यान से देखेंगे H2SO4 प्लस Na2NaBr एरो के बाद 2NaHSO4 प्लस Br2 प्लस SO2 और प्लस आई टू प्लस एस ओ टू प्लस एच टू तो एच टू एस ओ फोर हम इस तरीके से एच टू एस ओ फोर समाप्त करते हैं। आज हमारा 16 ग्रुप कंप्लीट हो रहा है।
पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। कल हम जनरल डिस्कस करेंगे हेलोजेंस और उसके बाद में क्लोरीन और इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में।